भवरकुआ थाना क्षेत्र में एक ढाबे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ढाबा मालिक ने राम जन्मभूमि को लगा पोस्टर फाड़ दिया है, जिसके बाद बड़ी संख्या पर मौके पर मौजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए ढाबे पर पथराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस मामले पर कंट्रोल किया। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की एक खास खबर। घटना भवरकुआ थाना क्षेत्र के लिम्बोदी के पास कृष्णलाल ढाबे की है। यह ढाबे के बाहर राम जन्मभूमि का पोस्टर लगा था, जिसके मालिक सरबजीत सिंह के बेटे रंजीत सिंह ने ढाबे के सामने पेड़ में लगे राम जन्मभूमि का पोस्टर फाड़ दिया। इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के लोगों को लगी, वह ढाबे पहुंचे और पथराव कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का घेराव किया। सीएसपी, एसपी और टीआई ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। मामले में कुछ युवकों को घायल होने की भी सूचना मिली, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पहले ढाबे पर पथराव किया, फिर जमकर हंगामा मचाया। पुलिस बल ने जैसे तैसे हंगामा शांत कर ढाबा संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं है। हिंदू समुदाय के लोग हैं, हम सब मिलकर राम भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, उस विषय में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। हम सब हिंदू समाज के लोग हैं, आपस में बैठ के चर्चा करके इस मामले को निपटा लेंगे। थोड़ा सा विषय था, कुछ बोर्ड पे उनके कोई पोस्टर लगा हुआ था, तो वो निकालने का आग्रह उन्होंने किया था। उस विषय पर थोड़ी सी आपस में सब लोगों से उन्होंने समझौते के लिए बोला था कि आप निकाल लीजिए। हमने उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन आपस में कुछ बातचीत हुई, इस वजह से थोड़ा सा मामला था। बैठ के हम उसका हल निकाल लेंगे।